हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निमिषा। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस देख के अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैंने आज उत्तम मेथी गोटा इंस्टेंट मिक्स ले लिया है, तो इससे हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 400 ग्राम का पैकेट है और उसके इसका MRP रेट है 120 है, लेकिन मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। तो चलिए इसका पैकेट खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी दूसरा एक पैकेट है, तो उसे भी हमें तोड़ लेना है। तो इसके अंदर एक कड़ी का पैकेट भी आएगा, छोटा सा एक पाउच आता है, तो उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा मिक्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसके अंदर हमें एक कड़ी का मिक्स आया है, इसे भी हमें तोड़ लेते हैं। तो इसके अंदर हमें 330 ml पानी हमें ऐड कर लेना है। इसके अंदर 330 ml पानी हमें ऐड कर लेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका कड़ी का पैकेट में तोड़ लिया है, तो इसे एक बाउल में डाल देते हैं। तभी इसे हमें साइड में रख लेंगे, तब तक हम बैटर रेडी करके उसे 15 मिनट के रेस्ट करने छोड़ना है, इसलिए हमें इसे पहले इसे रेडी कर लेते हैं। तो 350 ml पानी हमें चाहिए होगा। सबसे पहले तो मैंने 250 ml पानी इतना मैंने डाल दिया है, तो इसे एक बार ही मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हमें जो 100 ml पानी बाकी रह गया ना, तो उसे भी हमें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एकदम फटाफट ही हो जाता है, एकदम जालीदार, एकदम स्पंजी बनेगा हमारा ये गोटा। तब ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो इस तरह से मैंने पूरा ही इसके अंदर डाल दिया है पानी। तो अभी इसे हमें अच्छे से बैटर रेडी कर लिया है मैंने। अभी इसके हमें 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ लेते हैं, तब तक हम कढ़ी बना लेंगे। तो कढ़ी के लिए हमें इसके अंदर 330 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद में हमें इसे बॉयल कर लेंगे। 10 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के करना है। तो मिक्स करते रहिएगा, नीचे चिपक ना जाए इसका ध्यान रखना है हमें। तो एक बार बॉयल आ जाए तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। तभी हमारा कढ़ी भी रेडी हो चुका है, तो इसे एक साइड में रख लेते हैं। तब हम गोटा बना लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है, तब इसे खोल के हम देख लेंगे। तो एक साइड में तेल भी गर्म करने रख लिया है। तभी आप देख सकते हैं एकदम से हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है। तो आप देख सकते हैं हल्के आँच से इस तरह से मिक्स कीजिएगा, तो एकदम परफेक्ट हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तभी हम गर्म गर्म तेल में गोटा बना लेते हैं। तो इस तरह से एक एक बार लेते जाइए, एकदम नीचे से केयरफुली नीचे तक जाके अच्छे से इसे डाल दीजिएगा। तो इस तरह से, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से पूरा हमना जितना हमें इसे एक बार बैच में आएगा उतना हम डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल चुका है और कितना बढ़िया बना है, और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, कढ़ी के साथ ज़रूर सर्व करके देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।